हमदम डिवेलपमेंट आर्गेनाइजेशन पिछले 20 सालों से डेरा इस्माइल खान और मुल्हिका अजला में अवामी फलाह की मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर अमल दरामद कर चुकी है। HDO आवाम की शिरकत के साथ उनकी फलाह पर यकीन रखती है। आम लोगों में अपने सकाफती विरसे की पहचान, उसको आइंदा नस्लों तक मुंतकिली और कयाम अमन के लिए महकमा सकाफत खैबर पख्तनख्वा की मावनत से सकाफती विरसे के आया के प्रोग्राम रिच के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद कर रही है। इस सिलसिले में तहसील पाड़पुर के गाँव कोटजई में लोक रक्स की महफिल मुनक़द की गयी, जिसमे 3 मकामी रकास रहमतुल्ला, मोहम्मद मुनीर और नेमतुल्ला ने अपने फन का मुजाहरा किया। ढोल की ताप और शनाई पर बजती धुन पर ऐसा जाज़िब नज़र रक्स पेश किया कि शायकीन की दाद से मैदान गूंज उठा। रक्स करने वाले नौजवानों ने रवायती रक्स झूमर और द्रीज पेश करके महफिल में समाप बांध दिया। मकामी फनकारों ने रक्स के जरिए सकाफती रंगों को उजागर किया। खुशी के मौके पर किए जाने वाले रक्स के इस मुजाहरे ने शायकीन को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी नायब नाजिम कोटजई मोहम्मद खालिद ने कहा कि महकमा सकाफत खैबर पख्तूनख्वा और HDO की सकाफत के अया के प्रोग्राम से मकामी सकाफत को फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम लोगों में मोहब्बत और आहंगी पैदा करते हैं और माशरे में अमन की फिजा कायम होती है। HDO के शाह जमान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी सकाफत इंतहाई तवाना है। HDO महकमा सकाफत खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से सकाफत, खेल, लोक मौसीकी और रिवायती रक्स के प्रोग्राम मुनक़द करके माशरे में अमन और भाईचारे का पैगाम दे रही है।